सो फाइनली दिल्ली से श्रीनगर वाली फ्लाइट लैंड होने के बाद अब हम जाएंगे, इस व्लॉग में कवर करेंगे कहाँ पे हम रिजॉर्ट में गए, डे वन ऑफ श्रीनगर कैसा था। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लें। और अब हम फाइनली एयरपोर्ट से ट्रेवलर में आ गए हैं, साइड में पिताजी बैठे हैं एंड लेट्स गो टू द रिजॉर्ट। सो ये है फाइनली द सेटरस रिजॉर्ट जहाँ पे हमारा पहले दिन का स्टे है श्रीनगर में। और अभी हम सारे फटाफट से एयरपोर्ट जाके अपने अपने बैग लेके अपने रूम्स अलॉट होने का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हम सारे एकत्रित हो रखे हैं एक जगह पे सभी लोग, और सभी ने टी शर्ट पहन रखी है माउंट रोड कंपनी की, जिस कंपनी के थ्रू मतलब एक तरीके से बिजनेस ट्रिप थी जिसमें मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो भी टारगेट्स है उसको क्वालिफाई किया एंड देन उनको ये ट्रिप एज अ इंसेंटिव प्रोवाइड हुई। सो ये हमारा रिजॉर्ट है पहले दिन के स्टे का, ओवरऑल ये व्यू है आप देख सकते हैं, सामने सेटिंग अरेंजमेंट भी है, उसके साइड में एक जैकूजी है एंड ऑलमोस्ट ये पूरा रिजॉर्ट हमारा है। सो हमारा स्वागत किया गया वेलकम ड्रिंक्स के साथ जो कि हमने पी एंड उसके बाद रूम्स अलॉट होने की बारी आई। तो फटाफट मैं जा रहा हूँ कौन सा रूम मेरे को मिलता है, लेट्स सी। तो धूप बहुत तेज़ है यार श्रीनगर, बोलने वाली बात है कि धूप तेज़ नहीं थी या गर्मी नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी बातें हो रही थी रूम अलॉट होने की और मेरे को फाइनली रूम अलॉट हो गया। लेट्स गो टू द रूम। और ये अभी टेम्परेली रूम अलॉट हुआ है मेरे को क्योंकि इसमें अभी हम चार हैं, ये पिताजी बैठे हैं, ये पीला पांडा हमारा और मम्मी वॉशरूम में है। इसके बाद दूसरा रूम अलॉट होएगा तो देखते हैं कौन सा रूम अलॉट होएगा, कहाँ पे अलॉट होएगा, नीचे होगा ऊपर होगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा और उसका भी पूरा रूम टूर करेंगे। इसका पूरा रूम टूर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा टेम्प्रेरी रूम है तो इसमें क्या है इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, अपने खुद के रूम टूर करेंगे अपन। वैसे ऑलमोस्ट वो भी सेम होगा। तो अभी साइड में मेरे को दिखता है एक शीशा, सो मैंने सोचा जब शीशा है ही तो क्यों ना कैमरे को शीशे की तरफ घुमा के आप लोगों से फेस टू फेस रूबरू बात करी जाए। तो फाइनली मैंने कैमरा घुमाया शीशे की तरफ एंड हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम लोग जाएंगे लोकल साइट सीइंग पे और आज ज़्यादा हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, रेस्ट डे है तो शायद बोटैनिकल गार्डन जाएंगे। और इससे पहले हम चलते हैं जकूजी में। वीडियो है भाई, फोटो नहीं है। अरे तू आ तो सही, तू छुप रहा है भाई। परमानंद ऐसे नहीं है, इधर ही लाख लग गया। और ये इधर हमने शुरुआत की एक घंटे में ही ट्रिप के, काफ़ी हद तक पैसे वसूल करते हुए हम सारे मज़े कर रहे हैं फुल ऑन। बाकी लोग अपने अपने रूम्स में रेस्ट कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, हम लोग इधर चिल कर रहे थे फुल और तो और मज़े कर रहे थे पूरे, क्योंकि इसके बाद हमें फटाफट से जाना था ट्रैवलर में साइट सीइंग वगैरह के लिए, भाई बोटैनिकल गार्डन एंड ऑल जो भी आसपास की जगह थी। एंड उसके बाद कल हम जाने वाले हैं सोनमर्ग, तो सोनमर्ग की भी वीडियो आएगी जल्दी ही, तो स्टे ट्यून्ड आप लोगों को भी देखिएगा। और अब फटाफट जाते हैं शायद लेके फ्रेश होते हैं, और अब मैं फ्रेश हो गया हूँ फटाफट से, अब हम लोग जाएंगे ट्रैवलर में। सो फाइनली सब लोगों से थोड़ी बहुत गाली सुनते सुनाते मैं ट्रैवलर में पहुँच गया क्योंकि हम लोग जकूजी में हमने इतना टाइम लगा दिया था कि थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट कोई नहीं चलता है यार। सो फाइनली अब ये है थोड़ी श्रीनगर की रोड्स और वादियाँ, आगे आपको और भी तगड़े तगड़े व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और हम जा रहे हैं बोटैनिकल गार्डन में, और यहाँ पे एक और कौन सा था वो गार्डन, निषाद गार्डन, वो भी है, बट एक्चुअली धूप इतनी थी तो हम लोगों ने सिर्फ बोटैनिकल गार्डन ही कवर करने का सोचा। और उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग सब मिलके रिजॉर्ट में ही चिल करेंगे, बट हम लोग जा रहे थे तो मैंने देखा कि देखो कैसे सोल्जर्स
जो है हमारे इंडियन आर्मी के, कैसे हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। मैंने बोला इतनी धूप थी तुमने निशात गार्डन कैंसिल किया, बट इन लोगों को देखो कैसे ये लोग एक ही पोजीशन में कैसे सर्व करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपको सोल्जर दिखें, अगर आप लोग कभी श्रीनगर ट्रैवल कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो बहुत अच्छा आइडिया मेरे को, मतलब पापा ने भी बोला था कि सैल्यूट कर दो इनको, और सैल्यूट करके जो मतलब स्माइल आती है इन लोगों के चेहरे पे, मतलब नेक्स्ट लेवल। बिकॉज ऑफ देम वी आर लाइक लिविंग सेफ इन दिल्ली और इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में अगर हम लोग सेफली रह पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ देम। ये लोग बारिश में, ठंड में, गर्मी में, मतलब कैसे सर्व कर रहे हैं इंडिया को, आप समझ सकते हैं। तो जस्ट रिस्पेक्ट आर इंडियन आर्मी। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सीनिक ब्यूटी है यार श्रीनगर की, मतलब कश्मीर की वादियाँ ऐसे ही फेमस नहीं है, और ऐसे ही इसको हेवन ऑन अर्थ नहीं कहा जाता है। सो अभी मैं बोटैनिकल गार्डन श्रीनगर में, कश्मीर में, अभी आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अभी टिकट्स ले रहे हैं पापा, और उसके बाद आपको मैं व्यू दिखाता हूँ अंदर का पूरा। सो गाइस, ये एंटर करते ही ये नज़ारा है मतलब पूरे बोटैनिकल गार्डन का। आप सीनिक ब्यूटी देख सकते हो कितना, मतलब इट इज़ सो मच लाइक फुल ऑफ ग्रीनरी ओवर हेयर। कितनी हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर देखो फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत पीसफुल जगह है। बस वो धूप थोड़ी है इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो ये फाइनली मैं आ गया, प्रकट हो गया आप सभी सामने। देखो धूप के चक्कर में पीछे पौधे अच्छे से नहीं दिख रहे, लेकिन चलो मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ। ये हमारी पूरी टोली जा रही है, फटाफट से घूम रहे हैं हम लोग ऐसे ही, मतलब है तो देखा जाए दिल्ली के जैपनीज पार्क की तरह ही, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स ही बात है। सो ये देखो, ये कुछ पेड़ हैं इनकी, मतलब आप वो देखो शेप, और ये रहा सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री टाइप पेड़। क्रिसमस ट्री टाइप क्या, क्रिसमस ट्री ही है पूरा एक तरीके से। और यहाँ पे हम सब खड़े होके ऐसे ही चीज़ों को देख रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं लोगों से, जगहों से। और अब हम जा रहे हैं बाय बाय बोटैनिकल गार्डन, और ये रास्ते में हमें दिखता है द लेक, जिसमें हम हाउस बोट में स्टे करने वाले हैं लास्ट डे, जो हमारा लास्ट नाइट होगा दिल्ली आने से पहले। उस दिन हम हाउस बोट में स्टे करने वाले हैं, और उस दिन हम भी शिकारा राइड लेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट डे, जो कि आई गेस हमारा फोर्थ या फिफ्थ डे होने वाला है। तो वो व्लॉग भी आएगा आप लोगों के सामने, तो उसको भी देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक पार्ट वन मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो की लिंक भी डालने वाला हूँ। तो जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है और मेरे फ्लाइट एक्सपीरियंस वाली वीडियो भी जाके देखनी है। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो अब क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो मैं कश्मीर की हवा, प्योर हवा को ब्रीथ करता हुआ जा रहा हूँ, नई नई चीज़ें देखता हुआ जा रहा हूँ। और अब हम फाइनली अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ जाके सब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, सबके सब चिल करने वाले हैं। सो चलो देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। और यहाँ पे पूरी मीटिंग बैठी हुई है, बैठक बैठी हुई है, अगले दिन का प्लान कर रही है कि कहाँ जाएंगे, गुलमर्ग में क्या है, सोनमर्ग में क्या है, सब प्लान कर रहे हैं। कोई बहस कर रहा है इस टाइम पे नहीं ब्रेकफास्ट, इस टाइम पे नहीं उस टाइम पे नहीं, लोगों की प्रॉपर आइटिनरी मतलब कहीं ट्रिप पे जाने से पहले होती है, हमारी ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस हो रही थी सब कुछ एकदम, कि यहाँ पे ये चलना है, चलो यहाँ पे ये करते हैं क्विकली, यहाँ पे वो करते हैं। तो इट्स जस्ट वी आर गोइंग विद द फ्लो। सो ये मीटिंग हमारी बैठी हुई है, सब अपनी अपनी रह रहे हैं, पर हमें उससे क्या, चलो भाई हमें जो नया रूम मिलता है वहाँ चलते हैं और रूम टूर करते हैं, चलो बाय बाय। सो नीचे वाला रूम मैंने दिखाया आपको, बट मुझे मिला ऊपर वाला रूम, ये बैठी हुई है नीचे मीटिंग। लेट्स गो। ये रूम है, चार दिन पहले लगाई हुई थी इसलिए। यहाँ पे कर्टेन्स हैं, दिस इज द बालकनी। ये ओवरऑल पूरा लुक है, सामने वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, एंड देयर इज
जकूजी, ओपन जकूजी एंड दिस इज मी। और अब चलते हैं अंदर, कर्टेन हटाया, यहाँ पे लैंप है बहुत सुंदर सुंदर, दो लैंप हैं एंड ऑफ कोर्स टेलीफोन है एक रिसेप्शन वगैरह पे कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये बेड है, वो रिमोट है, ये टीवी है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे बहुत ही प्रिटी प्रिटी कारपेट्स वगैरह रखे हुए हैं बहुत ही सुंदर वे में, प्लस एक सोफ़ा रखा है यहाँ पे। जैसा मैंने बताया एक और लैंप है, यहाँ पे एक फ़ैन है अलग से प्रॉपर। उसके बाद हमको यहाँ क्या क्या मिल जाता है, दो बॉटल्स है पानी की, ब्रू कॉफ़ी है अमूल की, डेरी क्रीमर है, तुलसी ग्रीन टी है, ये स्टर करने के लिए ये दे रखा है हमें, एंड कप वगैरह दे रखा है। सो ये सब है, यहाँ पे हमें हैंगर्स वगैरह मिल गए हैं। ओके एंड अब बात करें वॉशरूम की, तो लेट्स गो टू वॉशरूम। सो ये है वॉशरूम का ओवरऑल लुक, ये है शावर, क्लीनलीनेस मेंटेन करी हुई है वॉशरूम में बकायदा, बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस है। एंड दिस इज़ आवर ड्रायर एंड सो दिस वॉज ओवरऑल लुक या फिर रूम टूर, माई रूम टूर। तो एक तो अंकल इतना बढ़िया गा ही रहे थे और इसके साथ साथ मैंने सनसेट के पिक्चर लेने की कोशिश की, वो ऑफ कोर्स ही बात है अंकल के गाने से बढ़िया नहीं थी, बट मैं दिखाता हूँ आप बताना कमेंट में कैसी थी। तो जाओ दोस्तों फटाफट से कमेंट में बताओ कैसी आई है पिक्चर। और ये सब कुछ होने के बाद हम एक बार फिर से जकूजी में पहुँच गए अंकल के साथ, लेट्स गो। अंकल चीज कुछ करो तो सही, ऐसे सन्नाटे में क्यों बैठ गए? कॉफी यहीं भी हो गए।
सो फाइनली गाइस आज के पूरे दिन में हम 1.5-2 घंटे कम से कम हमने जकूजी में बिताए होंगे और ऑलमोस्ट इट्स टाइम फॉर पैकअप। शाम हो गई है, अब कल हमें निकलना है सुबह सोनमर्ग के लिए, हमारी मीटिंग में भी ये फाइनल हुआ है तो सुबह जल्दी उठना होगा। और जो वीडियो मैंने अभी आपके लिए बनाई है, रात को मैं एडिटिंग करूँगा तो मेरे को रात को लेट हो जाएगी, इतनी मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और मेरी फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस वाली वीडियो जाके देखें।